स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान मंडल के सभी सीएमओ वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिए हैं कि मंडल के सभी सीएमओ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक तहसील के कम से कम एक एक गाँव में गोल्डन कार्ड बनने वितरण तथा उसमें कितने का इलाज हुआ उसकी संख्या की वास्तविक स्थिति का सत्यापन एक सप्ताह के अंदर अवश्य कर लें तथा गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए। बैठक में मंडलायुक्त ने योजनावार विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वास्थ्य योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी आशा कार्यकर्ती होती हैं, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा आशा एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती संयुक्त रूप से कार्य करें, तभी स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर परिणाम परिलक्षित होगा। मंडलायुक्त ने परिवार नियोजन के तहत नसबंदी का प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि डिप्टी सीएमओ अपने अपने निर्धारित सीएससी का नियमित निरीक्षण करते हुए वहां आशा एएनएम एमओवाईसी के साथ बैठक अवश्य करें तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर जो भी कमियां दिखे उसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। इसके अलावा मंडलायुक्त ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। बताओ 411 हम लोग ये कैसा कर कह सकते हैं 411,000 बढ़ी है। देखो क्या है ये सब केवल बातों में है, ठीक है। अब कल मैं पूछ रहा हूँ कि कृपया इसको सही तरीके से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये वास्तव में इश्यू ये है कि ये कार्ड केवल अब कितना ही जुलाई का केवल नंबर भी बड़ा होगा ना, 5 ही बढ़े 10 ही बढ़े 1% ही बढ़े 0.5% ही बढ़े, ऐसा कैसा हो सकता है कि 2200 ही पिछले महीने में भी हुआ है, इस महीने में भी 2200 है, आपका 411,000 दिखा रहे हो, 411,000 हो तो फिर 0.2% 0.5% भी, ठीक है, आपको भी पता है। तो 478 आज तक एक्टिव आज तक में गोरखपुर जिले में इतने इलाज कराए हैं सर।